हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले आइशर्स मोटर्स के फरवरी रिजल्ट्स आ चुके हैं। दैट इज टोटल सेल्स कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के सब्जी जितना भी किया है उसका जो डेटा है वो आ चुका है। तो उस रिजल्ट्स को देख के, कंपनी का जो भी सेल हुआ है मार्केट में उसको देख के हम एनालिस करेंगे कि आपको अभी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम आइशर मोटर्स कंपनी के बारे में एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे कि आइशर मोटर एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है जिसका जो मेन काम है वो मोटरसाइकिल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल यूटिलिटी के जो भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर ये एंगेज है। तो उसके आइशर मोटर्स के अंडर कौन कौन सी जो मेन जो कंपनीज है या फिर कौन कौन सी ऐसी मेन ब्रांड्स जो आती है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है रॉयल एनफील्ड का, फिर आइशर्स के बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं और वॉल्वो इंडिया का भी जो बिजनेस है वो भी आइशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी के अंदर ही है। सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 11 मंथ के डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो सेल है वो 27.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से गिरकर हो चुका है 33,318 यूनिट्स। और अगर हम ईयरली बेसिस के हिसाब से बात करें, दैट इज 12 मंथ्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो कंपनी जो टोटल सेल्स है वो 20.2% बढ़कर हो चुका है 5,335 यूनिट्स फरवरी डेटा के हिसाब से। सो अब इस डेटा को देख के हम एनालिस करेंगे स्टॉक को कि मार्केट के अंदर ऑटो स्टॉक दैट इज सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से किस तरह का अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी निकल कर आता है 90.14 और शेयर का पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, दैट इज 37.29। हालांकि इसमें ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है कि आज शेयर के अंदर बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। सेक्टर पीबी है 3.97 और शेयर का पीबी रेशियो बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यूएशन पर अभी रन हो रहा है 6.83। हालांकि अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा देखने को नहीं मिला है कंपेयर टू द सेक्टर डिविडेंड यील्ड, दैट इज 0.71 और शेयर का डिविडेंड यील्ड है 0.5%। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 68,297 करोड़ का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हर साल 17 से लेके 19 तक अगर हम एनालिस करेंगे तो हर साल कंपनी की रेडिस टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन है उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10-12% का अपट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम 19 को 20 से कंपेयर करेंगे, 20 में कंपनी के सेल्स के अंदर डिक्लाइन आया क्योंकि कंपनी पेंडेमिक सिचुएशन की कंपनी के जो भी टोटल एक्सपेंडिचर्स थे मार्केट में उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसलिए कंपनी के मार्केट में जो भी टोटल एक्सपेंस है उसके कारण जो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है कंपेयर टू द 2019 ईयर। सो अगर हम करंट शेयर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज मंडे क्लोजिंग के हिसाब से आइशर मोटर्स जो क्लोजिंग दी है 2.3% का अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिला है ये न्यूज चलने के बाद, दैट इज 57.55 रुपीज इसमें अपट्रेंड आया है 2556.14 रुपीज और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई है वो है 3348 रुपीज के आसपास। सो अभी भी यह शेयर आपको ऑलमोस्ट 800 रुपीज डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर पहले से इन्वेस्टेड हो तो आपको मेरे हिसाब से तो 3000 के लेवल तक आपको वेट करना चाहिए, तब उससे पहले आप इस शेयर को मत बेचिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो 2450 या फिर 2400 के लेवल पर अगर ये शेयर आता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ऑल दो जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा फाइनली वो तो पूरा आपके ऊपर होगा कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको जो फरवरी रिलेटेड जो डेटा आया है आइशर मोटर्स रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।